अगर मैं इसके सीट हाइट की बात करूँ तो 820 mm कुछ इसका सीट हाइट है, और मेरी हाइट 5 फीट 6 इंचेस है। अभी मैं देखो गाइस, ये मेरा हाथ है और थ्रॉटल भी है, थ्रॉटल कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो गाइस, ये गियर शिफ्ट किया मैंने, थर्ड, फोर्थ। अगर आपको चलाना है तो फिर स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर पेन होगा गाइस, पाम में। देख सकिए, सीट हाइट भी देख सकते हो आप पिलियन की, बंदा एकदम तीसरे फ्लोर पे बैठा होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत सालों बाद वीडियो आ रही है, तो ये देख सकते हैं आप, मेरे सामने खड़ी हुई है R15 M 2024 मॉडल। बेसिकली इसमें चेंजेस थोड़े बहुत किए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, पहले जो आती थी R15 M, ये सामने का पूरा सिल्वर हुआ करता था। इसका इसका जो हेड है, ये इसका फ्रंट का फेंडर भी सिल्वर हुआ करता था, और ये जो ग्रैब रेल है ये भी सिल्वर हुआ करता था। अभी ये सिर्फ कलर में चेंज किया गया है। और ये जो टैंक के आप ग्राफिक्स देख रहे हो, ये एक्चुअली R1M जैसे ही, R1M में आपको ऐसे मिलेंगे, पहले अलग आता था, वो लाइन आती थी। बाकी आप देख सकते हो कलर में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ ये ब्लैक किया गया है। और ये जो R15M लिखा हुआ है, इसको ब्लैक में लिखा हुआ है, पहले ये वाइट में लिखा आता था, वो जो सामने से जो सिल्वर आती थी उसमें। बाकी वही आपको क्विक शिफ्टर मिलेगा यहाँ पर, यहाँ देख सकते हो आप। अब कलर की बात अगर करें तो यही इतना चेंजेस है, सिर्फ सामने का फेंडर भी ब्लैक किया गया है। अब इसमें USD के फोक्स आते हैं, KYB के येलो कलर के, देख सकते हो आप। फ्रंट डिस्क की अगर मैं बात करूँ तो 282 mm का डिस्क लगा हुआ है विथ डुअल चैनल ABS, पीछे भी ABS है। फ्रंट और बैक रिम आपको ब्लू कलर में मिलेंगे, बिकॉज ये वाला जो है वो टॉप मॉडल है गाइस। बेस मॉडल में आपको क्विक शिफ्टर नहीं मिलेगा, जो कि रेड कलर में आता है, वो उसके रिम्स भी ब्लैक कलर में है। तो यही है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है गाइस इसमें। पीछे भी आपको 220 mm का डिस्क मिलेगा आपको, अगेन विथ ABS। बाकी अगर मैं लाइटिंग की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें फुल LED का सेटअप मिल जाएगा आपको। यहाँ पे जो फ्लैशर्स है, इंडिकेटर्स जिसे हम कहते हैं, वो भी LED में दिया हुआ है। और एक बात, जो इससे जो लोअर वेरिएंट वाला है, जैसे कि इंटेंसिटी वाइट, रेसिंग ब्लू, रेड, उनमें हेलोजन बल्ब दिया हुआ है। अब गाड़ी वैसे भी इतनी महंगी कर दी है, फिर भी यामा को देना चाहिए था लो वेरिएंट में भी LED, लेकिन नहीं दिया है, अब क्या कर सकते हैं भाई। तो इसमें तो फुल LED सेटअप है। और ये जो LED DRLs देख रहे हो आप, ये बहुत सही लगता है, एक मिनट में दिखाता हूँ आपको, प्रॉपर दिखेंगे नहीं क्योंकि इधर मेरे पीछे अभी धूप है। और ये जो आप सामने का देख रहे हो, ये Class D बाय फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प है। ये दिखने में छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये रात में पूरा आपको अच्छी तरह का थ्रो दिखाता है, आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बेसिकली जो V3 में जो LED का सेटअप था वो थोड़ा सा वीक था, उसका क्लियर विजन दिखता नहीं था अंधेरे में, इसका एकदम अच्छी तरह से दिखता है। अगर मैं आपको कंसोल की बात करूँ तो ये फुल LED सेटअप है, देख सकते हो आप। इधर अगर आपको चेंज करना है तो ये बटन प्रेस करना होगा। बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पर, एक सेकेंड, ये डाउन एरो शो हुआ है यहाँ पर, आप एरो, बेसिकली ये जो डाउन एरो प्रेस करूँगा मैं तो ये चेंज होगा, ट्रिप ट्रिप वन, ट्रिप टू, ओडोमीटर। अभी तक मैंने 195 किलोमीटर चला लिया है इसे, जब तक लिया है। हाँ, अगर मैं ये बात करूँ कि मैंने कब ली है इसे, 18 मई को लिया है गाइज मैंने। और ये जो अप वाला बटन है, इसे अगर मैं प्रेस करूँगा तो ये अप वाला चेंज होगा, ये देख सकते हो आप। बेसिकली एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये माइलेज है, ये अभी तक जितना मैंने चला है उसका एवरेज निकाला है इसने, 47.9 किलोमीटर पर लीटर। ये एवरेज स्पीड, वो तो स्पीड पे डिपेंड करेगा आपके, बैटरी वोल्टेज चलाऊँगा तब शो होता है वहाँ पर। ये कूलेंट का टेम्परेचर है गाइज, अभी फ़िलहाल 80 डिग्री पर चल रहा है। ये जैसे ही 95 या 100 डिग्री पे आता है तो रेडिएटर फ़ैन टर्न ऑन हो जाता है, फिर जैसे ही फिर 90-95 पे वापस आ जाता है कूल होके, रेडिएटर फ़ैन बंद हो जाता है। बाकी इस पर वीडियो, इस पर अगर आपको डिटेल चाहिए तो अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे, अगर चाहिए तो नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना।
और अगर ये डे में ऐसा दिखता है, अगर नाइट में देखना चाहते हो तो देख सकते हो आप, ऊपर फोटो आ रही होगी। और ये जो छोटा सा ये डिस्प्ले में बैकग्राउंड में आर दिख रहा है ना आपको, ये बेसिकली वॉलपेपर है, मैंने सेट किया हुआ है स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स मोड में ऐसा आर दिखता है। अगर मैं से इंजन परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आता है यामा का 155 cc सिंगल सिलेंडर सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 18.4 bhp का एट 10,000 rpm। देख सकते हो आप, rpm रेड लाइन भी 11,000 पे है यहाँ पर। और टॉर्क बेसिकली 14.2 Nm का है, कुछ 7,000 या 7,500 rpm पर। और टायर की अगर मैं बात करूँ, पीछे 140x70 का रेडियल टायर दिया हुआ है, ट्यूबलेस टायर, जो आपको लीन करने में बहुत हेल्प करेगा, बहुत मज़ा आता है लीन करने में। और सामने के टायर की अगर मैं बात करूँ तो ये 80x100 है, ये रेडियल टायर नहीं है, नॉर्मल टायर है गाइस। और अगर मैं आपको इसकी बताऊँ तो आपको ये बुकिंग करनी पड़ेगी, डिपेंड करेगा आपके एरिया में अवेलेबिलिटी का, कितनी देर में आपको शोरूम वाले अवेलेबल कर कर देंगे। मेरी अगर मैं बात करूँ तो मैंने 26 अप्रैल को बुक किया था, मुझे 18 मई को मिल गई, ऑलमोस्ट 20-22 दिन लगे हैं गाइस। अगर मैं इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करूँ औरंगाबाद महाराष्ट्र में, तो मुझे ये 2,42,000 में मिली है गाइस। ये सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, कहीं पे कम ज़्यादा हो सकता है। और अगर मैं इस वाले कलर की बात करूँ स्पेशली, तो ये फ़िलहाल मैंने औरंगाबाद में एक ही देखा है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इस वाले कलर में ये पहली R15 है औरंगाबाद में। बाकी अब किसी और ने ख़रीदा होगा तो वो अलग बात है। तो अभी मैं आपको क्विक शिफ्टर का बताता हूँ कैसे यूज़ करते हैं और कैसा काम करता है। और हाँ, काफ़ी लोगों को इसके हाइट की शिकायत रहती है। अगर मैं इसके सीट हाइट की बात करूँ तो 820 mm कुछ इसका सीट हाइट है, और मेरी हाइट 5 feet 6 inches है। तो आप देख सकते हो मेरे पैर अच्छी तरह से जाते हैं नीचे, इधर लेफ्ट वाला और राइट वाला भी। और अगर मैं एक पैर ऐसा उठा दूँ तो दूसरा पैर तो पूरा एकदम नीचे चला जाता है, फ्लैट एकदम। तो अगर आपकी हाइट 5 feet 5 या 5 feet 6 है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उससे अगर कम हाइट है आपकी, 5 feet 2 या फिर 5 feet, तो दिक्कत हो सकती है। तो खैर, मैं आपको क्विक शिफ्टर बता देता हूँ कि कैसा काम करता है। इसमें बेसिकली होता ये है, जो आपने देखा वहाँ पर सेंसर लगा हुआ है, वो बेसिकली कुछ मिली सेकेंड्स के लिए जैसे ही मोशन डिटेक्ट करता है गियर शिफ्टिंग पेडल पर, वो ECU को ये सिग्नल देता है। ECU मीन्स इंजन कंट्रोल यूनिट, जैसे कि हमारा दिमाग होता है, कंप्यूटर में CPU होता है, वैसा गाड़ी का एक दिमाग होता है इंजन कंट्रोल यूनिट। वो ECU को ये सिग्नल देता है कि गियर शिफ्ट होने वाला है, तो ECU कुछ मिली सेकेंड्स के लिए इंजन पर पावर कट कर देता है और आप गियर शिफ्ट कर लेते हो विदाउट डैमेजिंग द क्लच प्लेट एंड द गियर बॉक्स। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, होपफुली आपको व्यू आ रहा होगा। बेसिकली इसको शिफ्ट करने के लिए आपको फर्स्ट से सेकेंड में पहले क्लच प्रेस कर शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर सेकंड से थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ आप क्लचलेस शिफ्ट कर सकते हो, बिकॉज फर्स्ट और सेकंड के बीच में न्यूट्रल आ जाता है तो जर्क सा फील होता है, तो फिर वैसा मत ही करो तो बेहतर होगा। बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में कोई जर्क नहीं आता, मैं दिखा देता हूँ आपको। और ये बेसिकली देख सकते हो आप, यहाँ पे QS का सिंबल आएगा, यहाँ पर ये शो हो जाता है जब जब आप 20 km/h से ज़्यादा स्पीड में चलते हो, तो वो एक्टिवेट हो जाता है क्विक शिफ्टर ऑटोमेटिकली। तो हम चलते हैं अभी। देखो गाइस, मैं फर्स्ट से सेकंड में क्लच पकड़ कर शिफ्ट करूंगा। अभी मैं सेकंड गियर में रहूँगा, गियर पर रहूँगा इस 25 km/h की स्पीड में। QS का आइकन देख सकते हो आप, दिख रहा है आपको। अभी मैं देखो गाइस, ये मेरा हाथ है और थ्रॉटल भी है, थ्रॉटल कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो गाइस, ये गियर शिफ्ट किया मैंने थर्ड फोर्थ, ये देखो गाइस फिफ्थ और ये सिक्स्थ, कोई जर्क नहीं आया। और क्लच प्लेट को, गियर बॉक्स को कहीं पे कुछ डैमेज नहीं होगा इससे आपको। अभी देखते हैं गाइस, अभी मैं इसका माइलेज टेस्ट भी करने वाला हूँ, उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी माइलेज टेस्ट मैं इसका फर्स्ट सर्विस के पहले करूंगा, अभी तो फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है, फर्स्ट सर्विस को टाइम है अभी, तो फर्स्ट सर्विस के पहले भी देखेंगे हम कि कितना माइलेज दे रही है गाड़ी, और फिर फर्स्ट सर्विस के बाद हम देखेंगे कितना माइलेज दे रही है। वैसे यहाँ पर एवरेज माइलेज 47.7 km/l का शो हो रहा है,
और रियल टाइम माइलेज वो तो स्पीड, इंजन लोड और गियर पर डिपेंड करता है। ये जो फ्रंट से जो ब्लैक कलर दिया है ना यामाहा वाले ने, ये काफ़ी सही लगता है। वैसे ज़्यादातर R15 जो खरीदते हैं वो मॉडिफाई कर कर सामने से ब्लैक कर ही देते हैं, तो यामाहा वाले ने खुद ही ब्लैक कलर दिया। और अगर मैं एक चीज़ की बात करूँ, इसका सीटिंग पोजीशन जो है ये बहुत एग्रेसिव है, बिकॉज आपको ऐसा सामने झुक के चलना पड़ेगा। एक चीज़ जो चेंजेस है इसमें V3 से, इसका जो हैंडल का हाइट है थोड़ा सा कुछ मिलीमीटर से ऊपर है V3 के कंपैरिजन में। V3 का तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, मैंने चलाया हुआ है V3, इसका थोड़ा सा ऊपर है। तो इसको अगर आपको चलाना है तो फिर स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर पेन होगा गाइस, पाम में देख सकते हो मेरे हाथ में थोड़ा बहुत लाल लाल हो चुका है। बाकी मुझे अभी फ़िलहाल कहीं पे भी पेन नहीं होता क्योंकि आदत हो गई है मुझे। आपको भी जब आदत हो जाएगी, बॉडी जब रनिंग में आ जाएगी आपकी खुद की, हिसाब से मैनेज कर लेगी आपकी, तो अगर आपको आदत हो गई तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। हाँ, ब्रेकिंग की अगर हम बात करें, ब्रेकिंग का मैं बताना भूल गया, ये जो पीछे का ब्रेक है ना, इसका बाइट इतना कुछ खास नहीं है, मीन्स इससे जल्दी रुकती नहीं है गाड़ी। ये बेसिकली आपकी गाड़ी को स्टेबलाइज करेगा अगर आपका कंट्रोल आउट हो गया, कुछ हो गया ऐसा तो। और जो सामने का ब्रेक है ये तो मस्त है भाई, फुल गाड़ी रोक देगी है जहाँ पर भी ब्रेक मारोगे। लेकिन जो पीछे का वाला सीट है, पिलियन सीट, अगर आप बिठाए हुए हो किसी पिलियन को, वो सीधा आपके ऊपर आके गिरेगा और पूरा लोड आपके हाथों पर आएगा। वैसे ये जो पीछे का पिलियन सीट है ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। मैंने V3 पर बैठा हुआ हूँ, R15 V3 पर 100 किलोमीटर्स मैंने ड्राइव भी किया हुआ है और पीछे बैठा भी हूँ मैं V3 पर, टोटल 100 किलोमीटर्स। पीछे की सीट हाइट भी देख सकते हो आप पिलियन की, बंदा एकदम तीसरे फ्लोर पे बैठा होता है, बहुत लंबी हाइट बन जाती है पीछे वाले की। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी आपको नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल कर दो, बिकॉज़ आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है ऐसे ही। हम इसका माइलेज टेस्ट करेंगे और भी बहुत कुछ करेंगे गाइस। सो थोड़ा बहुत राइड इन्जॉय कर लीजिए आप। क्या रोड है यार, यहाँ पर तो लीन करने में बहुत मज़ा आएगा, लेकिन फ़िलहाल ये गाड़ी न्यू है अभी, मैं इसे ज़्यादा नहीं भगाने वाला। ऊपर से मैंने हेलमेट पर मोबाइल माउंट कर रखा है, ज़्यादा स्पीड में अगर मोबाइल उड़ कर गया ना तो फिर बस। सो गाइज, अभी हम चलते हैं घर पर, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो।